ऋषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे सोशल मीडिया में होने लगी है हाहाकार। संत श्री आसाराम जी बापू के मामले में हो रहा है मानवता के अधिकारों का खुल्लम खुल्ला हनन। जितने जितने जगत में दुख हैं वो सब बुद्धि की कमजोरी से आते हैं। जब जब संघर्ष देखो, जहां जहां लड़ाई झगड़े देखो, जब जब अशांति देखो, जब जब भय देखो अपने अंदर, समझ लेना कि बुद्धि कुछ नीचे आई। और कोई आए क्रोधी बनाने को हम क्रोधी बन जाए, कोई आवे लोभी बनाने को हम लोभी बन जाए, कोई आवे अभिमानी बनाने को हम अभिमानी हो जाए, ये बुद्धिमान अपने को कहलाने वाले व्यक्ति भले ही राजी होते हो लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धू है। जब कोई जो चाबी लेके आए वो लगा के उसी ताले को खोल जाए। ये बुद्धिमता कैसे हुई? वाह भाई वाह साहेब फुलाना, वाह भाई वाह भाई वाह मंत फुलाना। ये बुद्धिमता नहीं, हुड़दूत किया और मंत चढ़ गए, ये बुद्धिमता नहीं। बुद्धिमता तो वह है कि आने वाले प्रसंग, पैदा किए हुए प्रसंग में तुम तटस्थ रहते हो कि नहीं। अगर रह जाते हो तो बुद्धिमत्ता, और नहीं रहते हो तो सूचनाएं हैं, मान्यताएं हैं, बुद्धिमता नहीं है। देव शैली एकादशी कैसे करती है सभी पापों का नाश? घर बैठे ही तीर्थ स्नान का लाभ कैसे ले सकते हैं चतुर्मास में? गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। पाप ताप हृदय की दीनता का सदा के लिए निवारण करना, ये महापुरुषों का ही सामर्थ्य है। तुम्हारा सहज स्वरूप का ज्ञान और सहज स्वरूप का आनंद और सहज स्वरूप का सामर्थ्य प्रगटाने का कुंजी उन सतगुरुओं के पास होती। हथौड़ी ताला तोड़ सकती है, कुंजी ताला खुलने का सामर्थ्य रखती है। तमाम तप करो, तमाम कुछ करो, जीवन को तोड़ देगा, लेकिन गुरु के ज्ञान की कुंजी हो तो जीवन के द्वार खोलकर जीवन दाता तक पहुंचा दे। ऋषि प्रसाद पत्रिका को बापूजी ने क्यों कहा ज्ञान का ग्रंथ? त्रिदोष नाशक एवं ब्रह्मचर्य रक्षक स्थल बस्ती। क्या है इस बार की पुण्यदाय तिथियां व पर्व? रामानंद स्वामी जी ने राजा सुधाबल को क्यों कहा बेटे को फेंक दो गंगा नदी में? जानिए कथा प्रसंग में। जो सदा साथ है वो भगवत स्वभाव, जो ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, चेतन अमर भगवत स्वभाव। ओम ओम नारायण हरि, चलते फिरते भगवान नाम का आश्रय लो, बार बार उसकी स्मृति करो। अच्युत स्मृति मात्रेण मुक्तदाम सर्व मोक्ष। अच्युत की स्मृति से विपदाओं से मुक्ति हो जाती। इधर उधर की बातों में समय ज्यादा न लो, न ज्यादा सुनो, न ज्यादा बोलो, न ज्यादा सोचो, उसी में लग जाए। बड़ा सीधा रास्ता है ईश्वर से एकाकार होने का, एकदम सरल। कहने लगे कहीं फिर जाने की जरूरत। जय जय हो तस्मात् कारुण्य भावेना, तू अपनी करुणा करना। ये बेचारे घर छोड़कर हिमालय में योग करने कहां जाएंगे? ये बेचारे व्रत उपवास करके तप तपने कहां जाएंगे? हे प्रभु, इनका तो सत्संग ही तप मान लेना, इनका तो कीर्तन ही तो योग मान लेना, इनकी तो थोड़ी सी सेवा ही तो बहुत मान लेना मेरे प्रभु। इनका हृदय तेरी भक्ति से भिगा दे,
અમારું હૃદય તારી ભક્તિ થી ભીંજવ જે મારા પ્રભુ, તારા પ્રેમ થી પાવન કરજે મારા વાલુડા,